हमारा पर्पज़ ये था कि जो दिन ब दिन पंजाब में गुरुद्वारों में जो गलत चीज़ें हो रही हैं, कभी वहाँ पे तंबाकू मिल रहा है, कभी वहाँ पे हमारी जो धार्मिक किताब है जो है जिसको जिसको हम लिविंग गुरु मानते हैं, कभी उसकी वेद भी होती है, कभी तंबाकू फेंका जाता है, कभी सिखों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इसके पीछे जितना कांग्रेस गवर्नमेंट का हाथ है उतना ही सेंटर का भी हाथ है। तो हम चाहते हैं कि जिस बंदे को इन्होंने पकड़ा हुआ है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से जो भी ऐसा करेगा उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये कर रहे हैं हम गुरमत टकसाल IGS जैन के, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ जी, हुआ था परसों 14 तारीख को वहाँ पे एक डेरा सिरसा से संबंधित एक बंदा गया, उसने वहाँ पे सिगरेट जलाई और वहाँ पे फूकी उसने, ठीक है ना। तो इस चीज़ से जो है सिख हैं, सिखों के दिल जो हैं वो बहुत ही मतलब है कि सिखों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये दोषी है इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये डेरा सिरसा से संबंधित एक उनका वर्कर था। डेरा सिरसा एक उधर ऑर्गेनाइजेशन है जो सिखों के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, जैसे RSS है, जैसे और ऑर्गेनाइजेशन हैं, वैसे डेरा सिरसा भी है जो हमारे खिलाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी सर, क्या अपील करेंगे आप? हम ये अपील करते हैं कि जिन बंदों को गिरफ्तार किया है, जिन बंदों को अरेस्ट किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।